नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ जो मैंने रखे हैं वो केला के छिलके हैं, बनाना के छिलके हैं, और इसी से मैं अपना फर्टिलाइजर जो तैयार करती हूँ इसी को मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, इसके लिए 4 केले के छिलके 1 लीटर पानी में मैं डाल देती हूँ। 1 लीटर पानी मैंने इसमें रखी हुई है। बर्तन कैसे रखने हैं, सबसे बेहतर होता है बर्तन अगर आप मिट्टी का रखते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, यह मेरा मिट्टी का बर्तन है, ये सबसे बेहतर होता है। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह के बर्तन आपके पास नहीं है तो आपके पास शीशे का कोई जार हो या प्लास्टिक का कोई बर्तन हो इस तरह का, तो इसमें भी आप बना सकते हो। साथ ही आप एक एक बना के नहीं रखो, एक के साथ बगल में दूसरा भी बनता रहे, ताकि एक का उपयोग अगर आप कर रहे हो तो दूसरे वाली आपकी तैयार होती रहे। तो इसमें करना क्या होता है, इसके लिए मैं यहाँ पर 1 लीटर पानी रखी हुई हूँ, इसको डाल देनी है। 1 लीटर पानी जो मैंने रखी हुई है उसी में 4 केले के छिलके, यहाँ पर आप देखोगे, एक, दो, तीन, और ये चौथा टूट गया है, 4। अगर इसमें थोड़े से ज़्यादा भी चले जाते हैं या थोड़े से कम चले जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या पानी ही थोड़ी मात्रा कम बेसी हो जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है। साथ ही कुछ छिलके अभी और भी पड़े हुए हैं और कुछ अभी खाने में भी बचे हुए हैं, तो मैं 2 बना कर रखूँगी। एक तो यहाँ मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ और दूसरा मैं साइड में तैयार करके रखूँगी। तो इसके लिए अगर छिलके को ऐसे रख के इसी में पानी रख दिया जाए तो भी यह तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर इसको छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं तो और बेहतर रहेगा, इसके तैयार होने में और कम समय लगेगा। करीब करीब आपको 15 दिन इसमें लग जाएंगे। 15 दिन के बाद आपके पास एक केले केले का फर्टिलाइजर आपके पास रहेगा, और इस तरह से आप उसको उपयोग कर सकते हो। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है उसमें थोड़े बहुत आप इसका उपयोग कर सकते हो। ऐसे जो लकड़ी वाला जिसकी वैरायटी प्लांट की है उसमें ज़्यादा फायदेमंद आपको दिखाई देगा। जैसे हिबिस्कस हुआ आपका, गुलाब का हुआ, जिसका वुड के जैसा उसका ये होता है, बनावट होता है, उसमें ये ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही आपके पास जो सब्जियां लगाते हो, फ्रूट्स लगाते हो, उसमें भी ये केला केला का फर्टिलाइजर, जो लिक्विड फर्टिलाइजर हम लोग तैयार करते हैं, इसका उपयोग बेहतर रहता है। तो इसको छोटे छोटे पीस में काटने कोई आवश्यक नहीं है, आप चाहो तो काट सकते हो, नहीं भी काट सकते हो। मैं इसको इसलिए काट दे रही हूँ ताकि इसमें समय कम लगे। ऐसे 15 दिन के करीब में ये आपका तैयार हो जाता है। तो साइड में आप एक आप उपयोग करते रहो और दूसरी वाली आप तैयार करके रख लो। केले तो बहुत ही आसानी से घर में उपयोग होते ही हैं, तो उसको आप तैयार कर लो। केले के छिलके से मैंने पहले भी आपको फर्टिलाइजर एक डाली हुई है, लेकिन उसमें मैंने इसको सुखा करके पाउडर बना करके बताने की बात कही थी। अब इसको लिक्विड रूप में कैसे बना के तैयार करते हैं इसी को मैं आपसे यहाँ शेयर करने कर रही हूँ, और आप भी इस तरह का बना के रख लो। और इस फर्टिलाइजर को देने के बाद आप देखोगे कि आपका हिबिस्कस हो या गुलाब हो, वो कितना खूबसूरत होता है, कितना खिलता है। तो इस तरह से इसमें छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। मेरे पीस तो उतने अच्छे से नहीं हुए क्योंकि मैं एक हाथ से कर रही हूँ, आप थोड़े और भी छोटे इसको कर लोगे, पीस पीस में काट लोगे तो अच्छा रहेगा। जितने इसके पीस नन्हे नन्हे काट लोगे उतना जल्दी ये बन के आपका तैयार हो। तो अभी मैं इसको बनाने का केवल आपसे शेयर कर रही हूँ, फिर इसको मैं कैसे उपयोग करना है, किस में उपयोग करना है, इसको मैं आपसे बाद में बात करूँगी। तो 1 लीटर पानी जो मैंने रखे थे, यानी 4 केले 1 लीटर पानी में 15 दिन तक आप अगर रख देते हो ढककर, तो ये जो फर्टिलाइजर तैयार होगा इसकी तुलना आपको मुश्किल हो जाएगी बाकी फर्टिलाइजर से। इतने इतना बेहतरीन ये फर्टिलाइजर तैयार होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे आज विदा लेते हैं। आप सबों को नमस्कार, आदाब,
सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।